नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत में पहले बात करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 175 लोगों की हुई मौत, 220 लोग लापता, 1000 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू, तो वहीं 3000 से ज्यादा लोगों को रिहैब सेंटर भेजा गया। झारखंड में बिजली गिरने से 10 लोगों की हुई मौत, एमपी में सीजन की 50% हुई बारिश, 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। पंजाब के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शपथ ली, तो वहीं झारखंड में संतोष गंगवार ने भी संभाला गवर्नर का पदभार। हिमाचल में कांग्रेस विधायक कोषाध्यक्ष पर ईडी का पड़ा छापा, आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताओं को लेकर जांच जारी, चंडीगढ़ और पंजाब में लगातार हो रही छापेमारी। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे संजय राउत, बोले गरीबों की आवाज उठानी है तो गाली खानी पड़ेगी। फर्जी आयुष्मान कार्ड मामले में ईडी के दिल्ली सहित 19 ठिकानों पर छापेमारी, आयुष्मान भारत योजना धोखाधड़ी मामले में फोर्टिस अस्पताल सहित कई नामी ग्रामी अस्पतालों में ऐसे फर्जी कार्डों पर कई मेडिकल बिल बनाए गए। बात करें सोने चांदी के भाव की, तो सोना 684 बढ़कर 69,364 पर आया, तो वहीं चांदी 1,715 चढ़कर 83,065 रुपये प्रति किलो बिकी। लेकिन कैरेट के हिसाब से देखें आप गोल्ड की कीमत। शेयर बाजार के सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की बढ़त रही, ये 81,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा। आपको बता दें ऑटो शेयर्स में ज्यादा तेजी रही। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला सिरसा की डबवाली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वह इन दिनों डबवाली हलके में काफी सक्रिय है और लोगों के सुख दुख बांट रहे हैं। दरअसल दिग्विजय चौटाला ने घोषणा करते हुए सबको चौंका दिया है कि वे डबवाली में सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला का कहना है कि यह प्रतिमा अगले 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए डबवाली में जगह देखी जा रही है। दिग्विजय ने बताया कि प्रतिमा स्थापित करने के लिए उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह से अनुमति भी ले ली है और प्रतिमा स्थापित होने के बाद बलकौर सिंह खुद आकर अपने हाथों से सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बताते चले कि दिग्विजय ने कहा कि उन्होंने एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिद्धू मूसेवाला ने बहुत कम उम्र में अपनी मेहनत के दम पर पूरे देश और दुनिया में नाम कमाया, जो सभी युवाओं के लिए एक मिसाल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा पहुंचे। मुख्यमंत्री का सिरसा में ये 10 दिन में दूसरा दौरा है। दरअसल मुख्यमंत्री पहले एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और यहां से वाहन के माध्यम से सीधा तारा बाबा कुटिया में पहुंचे। यहां पर तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवादार और भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने तारा बाबा कुटिया में विशेष पूजा में भाग लिया। यहां से सीएम चिल्ला साहिब गुरुद्वारे में कमेटी की ओर से गुरुद्वारे को 77 कनाल 7 मरले जमीन सरकार द्वारा अलॉट करने पर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। जो भी जायज मांग किसी समुदाय की ओर से आती है उसको तुरंत पूरा किया जा रहा है। इसके बाद सीएम ने डेरा संगर सरिस्ता में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर राष्ट्रीय महासम्मेलन में भाग लिया। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां हरिद्वार से डाक कावड़ लेकर राजस्थान बालेश्वर धाम जा रहे 3 कावड़ियों को खेड़ की दोला थाने क्षेत्र के रामपुरा फ्लाईओवर के पास पीछे से आ रहे ट्रक चालक ने कुचल दिया। वहीं इस घटना में 1 कावड़िये की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 कावड़िये गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि हादसे के बाद चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं कावड़ियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। खेड़ की दोला थाना पुलिस व अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। आपको बताते चले कि राजस्थान का कावड़ियों का एक जत्था डाक कावड़ लेकर हरिद्वार से वापस जा रहा था। बुधवार सुबह 4 बजे खेड़ की दोला थाना क्षेत्र के रामपुरा फ्लाईओवर के पास जब जत्थे के लोग पहुंचे, इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कावड़ियों की बाइक को टक्कर मार दी। इस पर कावड़िये अभिषेक मीना, हेमंत मीना और योगेश सवार थे। गंभीर रूप से
घायल तीनों को अस्पताल ले जाया गया है। यहां डॉक्टर ने हेमंत को मृत घोषित कर दिया था, वहीं दो अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार से बजट आवंटन और योजनाओं का ब्यौरा मांगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान बजट में समस्याओं का समाधान करने में नहीं बल्कि जुर्माना लगाने की कार्रवाई में है। उन्होंने कहा कि NCR में वायु प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए योजनाओं के संग पर्याप्त बजट आवंटन कर समस्याओं का समाधान करने की बजाय सरकार का सारा ध्यान किसानों पर पराली जलाने के नाम पर अर्थदंड लगाने और वाहन चालकों पर अर्थदंड लगाने, पुराने वाहनों पर जुर्माना थोपने और औद्योगिक प्रदूषण पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई पर ज्यादा है। रोहतक के सांसद दीपेंद्र ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान जुर्माना लगाने से नहीं बजट आवंटन के जरिए प्रोत्साहन वाली योजनाएं लागू करने से होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन सरकार द्वारा दिए गए जवाब में कहीं भी बजट आवंटन का जिक्र नहीं किया गया। अब हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से सरकारी जमीन और मकान दुकानों पर काबिज लोग मालिकाना हक के लिए अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दरअसल सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। वहीं शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि 20 साल से अधिक अवधि से किराए लीज या तहबाजारी के तहत कब्जे में रही सरकारी संपत्तियों के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदन करने की समयावधि बढ़ा दी गई है। बताते चलें कि 30 सितंबर के पश्चात समय में कोई और छूट नहीं दी जाएगी और सभी लंबित आवेदनों का निपटान निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया जाएगा। नई नीति के अनुसार किसी व्यक्ति या निजी संस्था के कब्जे में सरकारी संपत्तियों को 20 साल या उससे अधिक अवधि के लिए किराए पट्टे के माध्यम से स्वामित्व हस्तांतरित करने का प्राविधान है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।